चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, सोर्सेस ऑफ फूड। अब हम देखेंगे मीनिंग। SOURCE सोर्स, सोर्स मीन्स स्रोत, सोर्स मीन्स स्रोत। RESTLESS रेस्टलेस यानी बेचैन या अशांत होना, रेस्टलेस बेचैन अशांत। AUTOMOBILE ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मीन्स वाहन, ऑटोमोबाइल वाहन। ENERGY एनर्जी, एनर्जी मीन्स कार्य शक्ति, एनर्जी कार्य शक्ति। FUEL फ्यूएल, फ्यूएल मीन्स ईंधन, FUEL फ्यूएल, फ्यूएल मीन्स ईंधन। REQUIRE रिक्वायर, रिक्वायर मीन्स जरूरत, रिक्वायर मीन्स जरूरत। BUILD बिल्ड, बिल्ड मीन्स विकसित करना, बिल्ड मीन्स विकसित करना। HEALTHY हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। HEALTHY हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। NECESSARY नेसेसरी मीन्स जरूरी, नेसेसरी मीन्स जरूरी। STRENGTH स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स बल या ताकत, स्ट्रेंथ मीन्स बल या ताकत। DISEASE डिसीज, डिसीज मीन्स बीमारी, डिसीज मीन्स बीमारी। NUTRIENT न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व। OBTAIN ऑप्टेन, ऑप्टेन मीन्स प्राप्त करना, ऑप्टेन मीन्स प्राप्त करना। नंबर 14 PULSE पल्स, पल्स मीन्स दाल, पल्स मीन्स दाल। GRAIN ग्रेन, ग्रेन मीन्स फसल या धान्य, ग्रेन फसल या धान्य। SPICE स्पाइस, स्पाइस मीन्स मसाले, स्पाइस मीन्स मसाले। CLOVE क्लॉ, क्लॉ मीन्स लॉन्ग, क्लव लॉन्ग। पेपर काली मिर्च, PEPPER पेपर मीन्स काली मिर्च, ब्लैक पेपर भी कहते हैं इसे। CINNAMON MON सिनामोन मीन्स दालचीनी, सिनामोन मीन्स दालचीनी। ALMOND आलमंड, आलमंड मीन्स बादाम, आलमंड मीन्स बादाम। WALNUT वॉलनट, वॉलनट मीन्स अखरोट। SUGARBEET शुगर बीट, शुगर बीट मीन्स चुकंदर, शुगर बीट मीन्स चुक। नेक्स्ट GROUND NUT ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली। पी नट को भी मूंगफली कहा जाता है। MUSTARD मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स सरसों, मस्टर्ड मीन्स सरसों। BEVERAGE बेवरेज मीन्स पेय, पानी के अतिरिक्त जो हम पीते हैं चाय कॉफी वगैरह। बेवरेज यानी पेय। FERTILIZER फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मीन्स खाद, फर्टिलाइजर मीन्स खाद। SUFFICIENT सफिशियंट मीन्स पर्याप्त, सफिशियंट मीन्स पर्याप्त। PROVIDE प्रोवाइड मीन्स देना, प्रोवाइड देना। AUTOTROPHS ऑटोड्रॉप्स मीन्स स्वयं पोषी, ऑटोड्रॉप्स स्वयं पोषी। PHOTOSYNTHESIS फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। HETEROTROPHS हेटेरोट्रॉप्स यानी परपोषी, हेटेरोट्रॉप्स मीन्स परपोषी। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मीनिंग्स भी हमने अभी देख लिए। अब हम करेंगे आज का टारगेट था अपना मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करना। तो मीनिंग्स अपने हो चुके हैं और एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है अपने टिक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखो 3 क्वेश्चन है, उसमें से हमें जो 3 क्वेश्चन दिए गए उसके 3 ऑप्शन दिए गए, उसमें से जो राइट है उसको टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स हमें ये यहाँ जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सी वस्तु हमें प्लांट से, पौधों से मिलती है।
फिश हमें पौधों से मिलता है? नो। फ्रूट? यस। एग्स? एग्स भी पौधों से नहीं मिलता, प्लांट से नहीं मिलता है। एग्स एंड फिश हमें प्लांट से नहीं मिलता, तो प्लांट से मिलने वाला ऑप्शन कौन सा है? फ्रूट्स। तो हम टिक करेंगे फ्रूट्स को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड फ्लेवर टू आवर फूड? हम जो खाना खाते हैं उसको टेस्टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? स्पाइसेस यूज करते हैं, मसाले यूज करते हैं। और ये मसाले यूज करते हैं वो अलग अलग तरह के मसाले हैं। अब इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एड फ्लेवर टू आवर फूड? अपने खाने को एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यूज करते हैं? ठीक है, टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स हल्दी, नूडल्स, नूडल्स मीन्स अपन जो मैगी वगैरह खाते हैं, एंड ब्रिंजल। ब्रिंजल एक वेजिटेबल है, वो हर किसी फूड में डाला नहीं जाता। नूडल्स भी हर किसी फूड में डाला नहीं जाता। अब बचा क्या? टर्मरिक। टर्मरिक इज अ स्पाइस। ओके, टर्मरिक इज अ स्पाइस, सो वी यूज टर्मरिक एड फ्लेवर टू आवर फूड। ओके, इसलिए यहाँ हम टिक करेंगे टर्मरिक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी वॉश बिफोर ईटिंग? नीचे दिए गए थ्री ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम खाने से पहले क्या करते हैं? वॉश करते हैं। टी, चाय को हम वॉश करते हैं? नो। कॉफी? कॉफी को करते हैं? नो। थर्ड ऑप्शन है एप्पल। यस, एप्पल को हम क्या करते हैं? एप्पल शुड बी वॉश बिफोर ईटिंग। एप्पल को हम खाने से पहले अच्छे से वॉश करते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। तो यहाँ आपको सी ऑप्शन पे टिक करना है। ओके, डू फास्ट, ये थ्री टिक द राइट ऑप्शन। जल्दी अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, क्लीन हैंडराइटिंग में कर लो। कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम द फॉलोइंग। डू फास्ट, क्वेश्चन सेकंड देखो, नेम द फॉलोइंग। इसमें आपको एनिमल्स के नेम लिखने हैं, वो भी कितने? टू। नेम द फॉलोइंग, इसमें टू टू एनिमल्स के नेम लिखने हैं। अब वो एनिमल्स कौन कौन से हैं? यस, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। टू एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ऐसे दो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, जो अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। यस, प्लांट्स है नहीं? यस, पौधे वगैरह खाते हैं, मांस वगैरह नहीं खाते। ऐसे एनिमल्स कौन से हैं? काऊ, गोट, रैबिट, बफेलो, कैमल, ऑक्स, बहुत से एनिमल्स हैं। उसमें से हमें क्या करना है? ओनली टू एनिमल्स के नेम लिखने हैं। ओके, तो हम लिखेंगे फर्स्ट काउ, देन आप डियर भी लिख सकते हो, ऑक्स, बफेलो, कैमल। ओके, मैंने काउ एंड कैमल ये दो नाम यहाँ लिखे। आप इसके अलावा दूसरे भी नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है, टू एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। ऐसे टू एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों पर डिपेंड रहते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, मांस एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का मांस भी खाते हैं। ऐसे टू एनिमल्स के नाम लिखने हैं। और ये कौन से? देखो, नॉर्मली है लायन, टाइगर, वोल्फ, फॉक्स,
फ्रॉग, लिजार्ड, ये सारे क्या है? दोनों तरह के, सॉरी ये तो सिर्फ हुए अपने एनिमल्स खाने वाले, और ये दोनों तरह से खाने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स, ये दोनों तरह के जो फूड खाते हैं वो है कैट, डॉग, फिश, डक। ये जो एनिमल्स है ये क्या करते हैं, दोनों तरह के खाते हैं, और लायन, टाइगर, वोल्फ, लिजार्ड, फ्रॉग, स्नेक, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पर डिपेंड है। तो यहाँ पहले पूछा गया प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड रहने वाले, तो हम यहाँ लिखेंगे कैट एंड डॉग। ये तो नॉर्मली अपने डेली इन दो एनिमल्स को तो हम देखते हैं, जो रोटी भी खा लेते हैं और यस फ्लैश भी खा लेते हैं। नेक्स्ट है टू एनिमल्स विच डिपेंड ओनली ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब यहाँ पे अपना आएगा लायन एंड टाइगर। ये यहाँ तक हो गया है, अब आप इसको अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में राइट करोगे। ओके डू फास्ट। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। ओके और हो सके तो क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे उसी पीरियड में। हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।